हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस हेल्थ ओके सैशे के बारे में और इस हेल्थ ओके सिरप के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हेल्थ ओके सिरप और ये हेल्थ ओके सैशे, इन दोनों में ही मॉलिक्यूल सेम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर रीड आउट कर पा रहे होंगे अम्यूनो एसिड, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सिरप, और यहाँ पर भी आप रीड आउट कर पा रहे होंगे एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ अब इस हेल्थ ओके सैशे के बारे में, तो गाइस इसमें भी आप रीड आउट कर पा रहे होंगे मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अम्यूनो एसिड विद कैफीन, गैनेसिक एक्सट्रेट एंड जिंक पाउडर। तो गाइस, ये मॉलिक्यूल्स तो अप्रोक्सीमेट सेम ही होते हैं दोनों के अंदर, बस जहाँ फर्क आता है वो थोड़ा बहुत एमजी का फर्क आ जाता है, मिलीग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, और गाइस देखा जाए तो कुछ भी फर्क नहीं है। ये हेल्थ ओके सिरप कितने साल तक के बच्चे ले सकते हैं, और अब हेल्थ ओके सैशे के बारे में बात करें तो ये किसके लिए है, ये बच्चे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर एडल्ट्स के लिए है। सबसे पहले तो ये मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो ये मल्टीविटामिन होता है ये कई विटामिन का कॉम्बिनेशन होता है जो नेचुरल फॉर्म से आपके खाने और भी नेचुरल सोर्स में पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन का यूज तब किया जाता है जब आप अपनी डाइट से बॉडी के लिए जरूरी विटामिन नहीं ले पाते हैं, किसी बीमारी, प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन की कमी और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने और भी कई हेल्थ कंडीशन की वजह से विटामिन की कमी होने पर भी मल्टीविटामिन दिया जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इस हेल्थ ओके सैशे के प्राइस के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पर रीड आउट कर पा रहे होंगे, ये एक सैशे 30 रुपए का है। मैं आपको इसको अंदर से भी ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हेल्थ ओके सिरप ये हमें 200 ml में मिलता है, ये कुछ ऐसा देखने में मिलता है, जो इसी 200 ml का प्राइस 120 रुपये है। और ये गाइस दोनों ही ब्रांड मैनकाइंड के बनाए हुए ब्रांड है, बस मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत एमजी का फ़र्क है, बट दोनों ही मल्टी विटामिन होते हैं। तो गाइस अब जल्दी से बात कर लेते हैं सैशे के बारे में। तो गाइस, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे इसके कुछ सैशे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल पैक्ड है, मैं ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे इसके कुछ हमें सैशे देखने को मिलते हैं, इसमें हमें 6 सैशे मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिसका एक सैशे का प्राइस ये आप देख लीजिए गाइस 30 रुपीज है। तो गाइस देखा जाए तो सबसे पहले अब इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इस सिरप और इन सैशे को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। गाइस, इन सिरप और इस सैशे को आप न्यूट्रिशन की कमी में यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में कमजोरी होने की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन की कमी में यूज़ कर सकते हैं, वीकनेस होने पर, हाथ पैरों के दर्द में होने की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने की प्रॉब्लम में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस सिरप और इस सैशे को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आ सकते हैं, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन हो सकते है, वेट गेन हो सकता है, और वोमिटिंग भी हो सकती है। बात करें अभी इसके प्रिकॉशंस के बारे में, तो इन सिरप्स को और इस सैशे को कब यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इन सिरप्स में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, अगर आप पहले से ही कोई और मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इन दोनों को यूज़ ना करें। आप प्रेग्नेंट हो, फीडिंग कराते हो, और किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस सिरप का यूज़ करें और इस सैशे का। पहले आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखेगा, फिर इस सिरप और इस सैशे को आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये हेल्थ ओके सैशे, हेल्थ ओके सिरप और इसके अलावा बच्चों के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 0 to 1 ईयर तक, उनके लिए मार्केट में बेबी ड्रॉप्स भी अवेलेबल है। और अब टैबलेट के बारे में बात करें, तो इससे पहले मैंने हेल्थ ओके टैबलेट के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ एक बार आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मेन अब बात कर लेते हैं अब इस सैशे के और इस सिरप के डोजेस के बारे में। पहले तो हम बात करते हैं गाइस इस सैशे के बारे में, इस सैशे को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर एडल्ट्स इस सैशे को यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको पर डे एक सैशे पानी के साथ एड ऑन करके इजीली ले सकते हैं। अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसको अगर आप दूध के साथ एड ऑन करके लेते हैं तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात करें तो इस सिरप के बारे में, अगर बच्चे की उम्र 2 से 5 साल या 8 साल या 10 साल है तो इजीली इसको ले सकते हैं।
बात करें अगर 5 साल का बच्चा अगर इसको लेना चाहता है तो वो इजीली 3 ml या फिर 3.5 ml इजीली ले सकता है। तो गाइस बस यही है इस हेल्थ ओके और हेल्थ ओके सैशे के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। गाइस हमारा एक दूसरा भी चैनल है, अगर कार से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ एक बार जाके विजिट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पर भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस सैशे और इस सिरप से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।